मेरा नाम संजय अध्याय है और मैं मैकेन इंडिया मेहसाना में क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर का काम करता हूँ। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और अहमदाबाद बाकी भारत की तरह काफ़ी गर्म है, इट्स वेरी हॉट। और यहाँ पे यहाँ के लोग काफ़ी प्रगतिशील हैं, लेकिन एक समस्या है पानी का। यहाँ पे पानी की काफ़ी स्कैसिटी रहती है। शहर के अंदर पानी की क्वालिटी को लेके भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स होते हैं। आमतौर पे लोग बॉटल ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं पीने के लिए। और जैसे अहमदाबाद में समस्या है, वैसे जो मैकेन का प्लांट मेहसाना में है, यहाँ पे पानी का और समस्या है, क्योंकि जो मेहसाना का जो रीजन है वो वाटर स्केर्स रीजन में माना जाता है, जिसको एरिड रीजन बोलते हैं। और यहाँ पे एक लिमिट के बाहर पानी नहीं मिलता है। वाटर का वैल्यू जिसके पास नहीं है वही जानता है, तो हमें इसके वैल्यू को हमेशा से रखना चाहिए और इसको बहुत ही एहतियात से यूज़ करना चाहिए। इसलिए हमें इसका हमेशा वाटर कंजर्वेशन करना चाहिए, और वाटर स्कैसिटी से निपटने के लिए वाटर कंजर्वेशन एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो उसके लिए हमें रिसाइकलिंग प्लांट बनाना पड़ा। सबसे पहले जो फैक्ट्री का पानी आता है, जो वेस्ट वाटर होता है, वो सबसे पहले लगून में आता है। लगून इज़ ए कलेक्शन टैंक है, उसके अंदर हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद वो क्लैरिफायर में आता है। तो ये पार्ट जो है वो प्री ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको। इसके बाद जो पानी आता है वो रिसाइकलिंग प्लांट में आता है। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जिसके अंदर की सॉलिड्स को निकाल देते हैं और पानी को प्यूरीफाई करते हैं। उसके बाद वो कार्बन टावर में जाता है, और उसके बाद में जो पानी है वो जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस में, जो कि उस पूरे प्लांट का एक हार्ट है। तो उसके अंदर, उसके बाद जो पानी निकलता है, दैट इज़ द प्योर वाटर। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 70% जितना वेस्ट वाटर है उसको हम रिसाइकल करते हैं। जो पानी फाइनली आर ओ से निकलता है, जो प्रोडक्ट वाटर जिसको बोलते हैं, वो पानी भारत इंडियन रेगुलेशंस को मीट करता है, वो मैकेन के क्वालिटी सिस्टम्स को मीट करता है। उस पानी से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, उस पानी को हम पी सकते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरे मैकेन वर्ल्ड में पहला था। मुझे बहुत गर्व है इस प्रोजेक्ट का, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है। मुझे फ़ख्र है मेरे मैकेन से, मुझे गर्व है मेरे टीम मेंबर्स का, जिसकी वजह से आज ये प्रोजेक्ट हो पाया और ये एक सक्सेस स्टोरी बन पाया।